हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे मज़े से होंगे स्वस्थ होंगे तो जी हाँ गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे कि आज मैं हूँ किचन में तो मैं किचन में क्यों हूँ जी हाँ मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रेसिपी मैं आज बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्ज़ी जिससे कि लोग क्या करते हैं दूर भागते हैं जिनको मतलब नाम सुन के ही वो लोग क्या करते हैं लोग दूर भागा करते हैं तो जी हाँ उन्हीं के लिए मैं लेकर आई हूँ लौकी की सब्ज़ी अब आपको खानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी होने वाली है बहुत यमी होने वाली है न्यूट्रिश होगी हेल्दी होगी इसके अपने बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं तो प्लीज़ इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए जैसे कि मेरी फैमिली में सभी लोग खाते हैं क्योंकि मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ कि सबको बहुत पसंद आती है तो अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे ना आपके घर वाले भी ज़रूर खाएंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को मेरे एंड तक देखिए और अगर मेरा रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड सो so गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू को और लौकी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है इसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा प्याज थोड़े से हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा टमाटर कटा हुआ और लहसुन की दो तीन कलियाँ बस ये मैंने इतना लिया है यहाँ पे जीरा और राई मैंने तड़के के लिए लिया है बाकी मसालों में मैंने लिया है नमक हल्दी पाउडर धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर तो ये लहसुन को यहाँ पे मैंने लेके थोड़ा कूट लिया है इसको काफ़ी बारीक बना दिया है मैंने पीस के तो आज इसे मैं बनाने वाली हूँ कुकर में जी हाँ ये कुकर गरम हो चुका है और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल बस ये गरम हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ जीरा और राई के दाने तो फ्रेंड्स ये देखिए गरम हो गया है तेल बस मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया और ये राई के दाने और ये देखिए चटकने लग गए हैं गरम है ना तेल तो बस अब चटकने लग गया है और इसके बाद मैं अब डालूँगी इसमें ये कूटी हुई लहसन और इसके तुरंत बाद ही मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा प्याज़ ये देखिए लहसन थोड़ा पक गया है और बस मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा प्याज़ और हरी मिर्च प्याज़ और लहसन को यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा पकने देते हैं अच्छे से इसे अच्छे से सौते कर लेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे बस जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए ये देखिए और बस जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें सब्ज़ी लौकी और आलू और इसके साथ साथ ही मैं ऐड कर लूँगी नमक मुझे जितना सब्ज़ी में यूज़ करना है उससे थोड़ा कम ही लूँगी मैं क्योंकि इस सब्ज़ी में ना नमक थोड़ा सा कम ही लगता है तो तभी अच्छी लगती है सब्ज़ी तो बस नमक डाल दीजिए देन इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आपस में ये देखिए नमक हमने यहाँ पे इसलिए डाला है कि थोड़ी देर हम ना इसे ऐसे ही भपा देते हैं इससे जो लौकी का टेस्ट होता है ना वो चेंज हो जाता है मतलब जो अजीब सा टेस्ट होता है ना जिससे लोग भागते हैं वो चेंज हो जाता है वो एक अच्छे टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर अब मैं इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पाँच मिनट के लिए आई थिंक सिम गैस पर मैं छोड़ दूँगी ताकि ये ऐसे ही पकता रहेगा मैं यहाँ पे सिर्फ़ सब्जी को ढक रही हूँ मैं यहाँ पे कोई विसल नहीं लगा रही हूँ तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और ये देखिए पाँच मिनट हो गए सब्ज़ी कुछ इस तरीके से है और फिर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेती हूँ इसके बाद प्याज़ मैंने थोड़ा बचा लिया था उसको ऐड कर दूँगी और जो टमाटर है इसको भी ऐड कर दूँगी यहाँ पर ये देखिए और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हम लोग लाल मिर्च थोड़ा कम खाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ये देखिए फिर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर आप चाहें तो यहाँ पर इसमें किचन किंग मसाला भी ऐड कर सकते हैं उससे भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है बस इसके बाद मैं यहाँ पर इसको एक मिक्स दे रही हूँ अच्छा सा और इसको हम लोग थोड़ा सा सूपी या कह लीजिए कि रस वाला खाना पसंद करते हैं तो इसमें आधे गिलास के करीबन हमने पानी ऐड कर लिया है और फिर यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अगर आपको राइस के साथ खाना है इसे तो इसमें और पानी भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ये देखिए इस पॉइंट पे बस अब मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन तो कुकर को मैंने कर लिया है अच्छे से बंद और विसल लगाने के लिए छोड़ दूँगी एक्चुअली मेरे कुकर में काफ़ी जल्दी जल्दी विसल्स आती हैं तो मैंने गैस सिम कर दिया है और दो से तीन सीटी मैं यहाँ पर लगाऊंगी और उसके बाद कर दूँगी इसको बंद तो बस दो से तीन सीटी आ चुकी है उसके बाद ये मैंने इसको खोल दिया है और ये देखिए सब्ज़ी कुछ इस तरीके से है दिख रही है ना यमी ये देखिए जूम कर दिया है मैंने अगर आपको पानी कभी ज़्यादा लगता है सब्ज़ी में तो इसको बनने के बाद आप इसके आलू को अच्छे से मैश कर सकते हैं जिससे कि जो ग्रेवी होगी वो थोड़ा थिक हो जाएगी और हाँ इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है हरा धनिया जी हाँ हरा धनिया है तो ज़रूर डालें हैं क्या मतलब इसमें डालें ही डालें क्योंकि इससे जो टेस्ट है ना वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है और बस इसको थोड़ी देर पाँच मिनट के लिए ऐसे ढक धक, ढक्कन लग, लगा के छोड़ दें बस सब्जी रेडी है और एक बोल में मैंने निकाल दिया है ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़े से हरा धनिया का यूज़ किया है सो so, मुझे तो काफ़ी यमी दिख रही है और आज मैं इसे लंच में खाने वाली हूँ सो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको मेरी ये रेसिपी अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए